तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा सेकंड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अरे यार ये हाँ ठीक। तो अब हम बात करने वाले हैं, देखो पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमारे क्या टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने उस वीडियो में पार्ट वन उसको समझ लो, ठीक है, उस वीडियो में हमने एरे, लिंक्ड लिस्ट, ये सब चीजों के बारे में बात करी, क्योंकि उस वीडियो में ही अगर मैं स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ वगैरह के बारे में बातें करता तो वो वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाती। इस वजह से हमने ये वाला पार्ट टू बना लिया, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूएशन में आपको देखना है। पहले वो वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद इस वीडियो पे जंप करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्टैक एंड क्यू की, इस वीडियो में क्या होने वाला है, पहले स्टैक एंड क्यू बताऊंगा, जितना आपके बीसी के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये डीएसए का टॉपिक है तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इसका इंप्लीमेंटेशन वगैरह प्रॉपर अलग से आता है, तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे होंगे। हम आज चर्चा किसके बारे में कर रहे होंगे कि भैया एक्चुअल में स्टैक एंड क्यू होता क्या है, क्या बेसिक ऑपरेशंस है जो कि स्टैक एंड क्यू में लगाए जाते हैं। उसके बाद हम दो और डेटा स्ट्रक्चर, स्टीज और ग्राफ, जो कि होते हैं हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। तो बिना आपका ज्यादा टाइम बर्बाद करे हुए हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भैया स्टैक क्या होता है, स्टैक से आपको समझ में क्या आ रहा है। स्टैक में हमने अभी तक स्टैक का मतलब क्या समझा कि भैया किसी चीज का ढेर लगा हुआ है, किसी चीज का गठ लगा हुआ है, हमने एक के ऊपर दूसरी चीज को पाइलअप करके रखा है। इसी जो पाइलअप वाली प्रोसेस रहती है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी ऑब्जेक्ट रखा, उसके ऊपर तीसरी ऑब्जेक्ट रखा, तीसरे के ऊपर चौथा रखा, इसी को हम स्टैक ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि यहां पर नोटों की गड्डी है, भैया किसको नहीं चाहिए नोटों की गड्डी, किसको नहीं चाहिए इतने सारे पैसे। लेकिन अभी मामला वो नहीं है कि कैसे आएंगे ये पैसे, अभी मामला ये है कि भैया ये जो गड्डियां हैं, सबसे नीचे सपोज 100 रुपए वाली गड्डी रखी है, उसके ऊपर 500 वाली रखी है, उसके ऊपर 2000 वाली रखी है, उसके ऊपर 10 रुपए वाली रखी है, उसके ऊपर 50 रुपए वाली रखी है। तो ये एक के ऊपर एक करके नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं, तो ये हम क्या कहेंगे कि भैया नोट्स आर बीइंग पाइल्ड अप वन आफ्टर अनदर, हम क्या कहेंगे कि भैया ये नोटों की गड्डियों का स्टैक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भैया? स्टैक लगा हुआ है। ये तो हो गई नॉर्मल हमारी डेली लाइफ वाली बात। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल डेटा इंटरप्रिटेशन में, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टैक कैसे यूज होता है। देखो क्या होता है कि आपने एरे तो पढ़ ही लिया, जिसमें इतने सारे कॉलम्स होते हैं। हाँ जी भैया, एरे हमने पढ़ लिया जिसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। अगर इसी एरे को मैं क्या कहूं, खड़ा कर दूं भैया, अगर इसी एरे को मैं ऐसे खड़ा खड़ा रख दूं, वर्टिकली रख दूं, तो क्या ये एरे का मीनिंग चेंज हो जाएगा? नहीं भैया, आप इसको लिटा के रखो, हॉरिजॉन्टली रखो, या फिर इसको ऐसे वर्टिकली रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कहेंगे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक उसी तरीके से हम कह देंगे कि अब जहां ये इंडेक्सेस 0, 1, 2 और 3 एक साथ में हॉरिजॉन्टली लगे हुए थे, अब हम इनको वर्टिकली स्टैक के फॉर्म में लगा देंगे, एंड दिस इज आर स्टैक। हमने क्या कहा कि भैया जो भी आपके इंडेक्सेस हैं मेमोरी के अंदर, जो भी आपके इंडेक्सेस हैं, एड्रेसेस हैं, उनको हम एक के ऊपर एक इमेजिन कर रहे हैं, ना कि एक के बाद एक। यहां पे एक के बाद एक है, यहां एक के ऊपर एक है, तो इसको हम कह देंगे कि भैया ये स्टैक है। अब ये क्या किया हमने, स्टैक को इंप्लीमेंट किया यूजिंग एरेज। एरे के माध्यम से हमने स्टैक के बारे में समझा। एक और तरीका होता है स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया ना, वही लिंक्ड लिस्ट को यूज करके स्टैक इंप्लीमेंट किया जाता है, लेकिन अभी हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमें लिंक्ड लिस्ट के बारे में क्या पढ़ना है भैया? नहीं, लिंक्ड लिस्ट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि यूजिंग एरे किस तरीके से स्टैक को इंप्लीमेंट किया जाता है। अब ये जो स्टैक होता है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगती है। क्या प्रॉपर्टीज लगती है? सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है भैया कि क्या आप इस स्टैक में अगर मैं एक और गड्डी ऐड करना चाहूं तो क्या मैं उस गड्डी को ऐसा नीचे से रख सकता हूं? नहीं भैया, नीचे से रखने जाओगे बहुत झंझट होगी, वो पहले उसको ऊपर उठाओ फिर उसके बाद उसके नीचे रखो, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन ईजिएस्ट वे में अगर मुझे इस गड्डी में एक और गड्डी ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगा इसके ऊपर एक और गड्डी बना के और यहां पर एक और गड्डी मैं रख दूंगा। क्या करूंगा भैया? एक और नोटों की गड्डी मैं रख दूंगा। क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ जी भैया, ये कहानी समझ में आ गई कि अगर इस स्टैक के ऊपर मेरे को एक और गड्डी रखनी है, एक और नया एलिमेंट ऐड करना है, ये जो गड्डी रखने वाला सीन जो है इसको मैं कह रहा हूं कि एक नया एलिमेंट अगर ऐड करना है तो क्या करूंगा, उसके ऊपर रखूंगा।
क्या कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया कि एक स्टैक में अगर आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना होगा तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक से ऐड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप उसको टॉप से ऐड कर सकते हो। तो ये एक पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव भी करना है तो क्या भैया नीचे से उठा लोगे? नहीं, नीचे से नहीं उठाओगे, क्या करोगे? ऊपर सबसे जो टॉप मोस्ट एलिमेंट रखा होगा उसको आप रिमूव कर दोगे स्टैक से। तो जो रिमूवल, यहां से रिमूव भी होगा, ठीक है, कोई भी नई गड्डी ऐड करनी है तो यहां से ऐड भी होगा। क्या समझ में आया कि भैया स्टैक के अंदर हम नए एलिमेंट को ऐड और डिलीट सिर्फ एक एंड से कर सकते हैं जो कि है टॉप ऑफ द स्टैक। अगर आपको एक नई गड्डी, एक नया एलिमेंट ऐड भी करना है तो आप टॉप ऑफ द स्टैक से करोगे, डिलीट भी करना है तो आप टॉप ऑफ द स्टैक से करोगे। यही सेम चीज मैंने यहां लिखी हुई है। अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या ये एक लाइन में है? हाँ जी भैया, ये एक पर्टिकुलर लाइन में है। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो प्रिंसिपल। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? ये जो सबसे ऊपर मैंने गंदी सी हरी हरी गड्डी बनाई है, क्या मैंने इसको सबसे लास्ट में डाला? हाँ जी भैया, सबसे पहले आपने ये वाली गड्डी डाली, सबसे पहले आपने ये वाली गड्डी रखी स्टैक के अंदर, फिर आपने ये वाली रखी, फिर आपने ये वाली रखी, फिर ये रखी, फिर ये रखी, और सबसे लास्ट में आपने ये सबसे ऊपर वाली गड्डी रखी। क्या मैंने सबसे लास्ट में सबसे ऊपर वाली गड्डी रखी? हाँ जी भैया। अब क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक से एक गड्डी को रिमूव कर सकता हूं, तो अगर मैं वन बाय वन इसको रिमूव करना चाहूं तो क्या मुझे सबसे पहले इस गड्डी को रिमूव करना पड़ेगा, फिर मैं इसको रिमूव कर पाऊंगा, फिर मैं इसको रिमूव कर पाऊंगा, फिर मैं इसको रिमूव कर पाऊंगा, और लास्ट में मैं इन दोनों को रिमूव कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि जिस गड्डी को मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया, अगर मुझे रिमूव करना है तो सबसे पहले मुझे उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कि भैया लास्ट इन और फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं भैया लीफो प्रिंसिपल। क्या ये समझ में आया कि किस तरीके से लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है? हाँ जी भैया, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल हमें समझ में आ चुका है। इट मीन्स दैट द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक, द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक will be the first element to be removed। अगर हमें स्टैक को खाली करना है तो सबसे पहले लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। अब इसकी स्टैक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये लीफो ऑर्डर में काम करता है। लीफो ऑर्डर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लीफो ऑर्डर, द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टैक इज दैट इट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। दूसरा इसमें प्रॉपर्टीज में क्या, टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक इसमें क्या है, जो टॉप एलिमेंट रखा है उसी को हम कह देते हैं भैया टॉप ऑफ द स्टैक। इसमें एक टॉप ऑफ द स्टैक होता है, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक इज द ओनली वन दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। अगर मुझे इस स्टैक से कोई भी एलिमेंट डिलीट या फिर ऐड करना है तो मैं टॉप ऑफ द स्टैक से ही करूंगा, मैं बीच से या नीचे से उसको नहीं रिमूव कर सकता। इसका एक और एग्जाम्पल आप समझो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। क्या होता है कि जब आप शादी पार्टी में जाते हो तो हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। क्या होती है भैया? प्लेट्स होती हैं। क्या होती है भैया? प्लेट्स होती हैं। क्या होती है भैया? प्लेट्स होती है। प्लेट्स तो बड़ी गंदी बनाई भैया आपने, प्लेट्स तो बड़ी गंदी बन गई यार, चलो प्लेट्स अच्छी बना देते। बहुत सारी भैया प्लेट्स हैं हमारे पास, क्या है भैया? प्लेट्स रखी हुई है। अब ये जो एक के ऊपर एक प्लेट्स रखी हुई हैं, क्या मैं बीच वाली प्लेट को सबसे पहले निकाल सकता हूँ? क्या मैं नीचे वाली प्लेट को सबसे पहले निकाल सकता हूँ? नहीं भैया, अगर आप बीच वाली प्लेट को खींचोगे, ये शादी पार्टी वाली प्लेट है, बड़ी गंदी सी लाल कलर की बनी है, लेकिन समझो आप ऐसा कि अगर मैं बीच वाली प्लेट को ऐसे निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या मेरी ऊपर वाली प्लेट गिर जाएगी? हाँ जी भैया, ऊपर वाली प्लेट मेरी गिर जाएगी। नीचे से निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या ऊपर वाली प्लेट गिर जाएगी? हाँ जी भैया, ऊपर वाली प्लेट गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं सबसे टॉप वाली प्लेट को पहले उठा लूं तो हमें भैया प्लेट भी मिल गई, हमें खाना भी मिल गया और हमारा रिमूवल भी हो गया, हमने एक प्लेट को भी बाहर निकाल लिया। क्या इस प्लेट जो हमने जिसको निकाला सबसे ऊपर से टॉप ऑफ द स्टैक से, तो क्या उसकी वजह से बाकी प्लेट्स को कोई नुकसान हुआ? नहीं भैया, बाकी प्लेट्स को कोई भी नुकसान उठाना नहीं पड़ा।
तो क्या समझ में आया कि भैया एक स्टैक से आप सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक से ही एक्सेस कर सकते हो, आपको एडिशन करना है, रिमूवल करना है, सब टॉप ऑफ द स्टैक से ही कर सकते हो। तो ये इसका मतलब है। डायनेमिक साइज होता है, डायनेमिक साइज का मतलब क्या होता है कि अगर आपको आपने स्टैक को डायनेमिक एरे की मदद से इंप्लीमेंट किया है, डायनेमिक एरे अभी आप मत समझो क्या होता है, लेकिन आप ऐसा समझो कि एरे का एक टाइप होता है जो कि डायनेमिक एरे होता है। डायनेमिक एरे का मतलब क्या होता है कि अगर एरे का साइज 3 है तो हम इसे बढ़ा के 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। वैसे ही लिंक लिस्ट में तो आप जितने चाहो उतने नोड ऐड कर सकते हो। तो ये जो डायनेमिक साइज वाला इशू रहता है ये स्टैक में नहीं होता है, स्टैक में हम डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 100 गड्डियां लगाना चाहूँ तो मैं 100 लगा सकता हूँ, इट डजंट डिपेंड अपॉन द साइज, ठीक है। तो हम इसमें बहुत सारी गड्डियां लगा सकते हैं, इसमें साइज का कोई भी इशू नहीं रहता है, डायनेमिक साइज होता है, मतलब कि साइज हमारा वेरी कर सकता है। तो ये चीज आप फटाक से नोट करो, इसको मिटा देता हूं, एक सेकंड रुको। हमें तो लूट लिया है रे हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गुर गुर गोलों ने, ठीक है। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, मास्टर नौटंकी बहुत करता है साला, ठीक है इसको नोट करो फटाक से। चलिए इतना नोट करने के बाद अब हम थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं स्टैक के बारे में। सबसे पहला हम देख लेते हैं कि स्टैक में कॉमन ऑपरेशंस क्या होते हैं। स्टैक में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एक होता है पुश, दूसरा होता है पॉप, ठीक है, तीसरा होता है टॉप, टॉप ऑफ स्टैक, जिसे हम शॉर्ट में टॉस भी कहते हैं, TOS। तो ये कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस का मतलब भैया एक स्टैक में आप क्या क्या चीजें कर पा रहे हो, क्या क्या काम आप एक स्टैक के अंदर कर पा रहे हो। अब एक स्टैक के अंदर आप क्या क्या काम कर पा रहे हो, पहला तो भैया ऊपर वाला एलिमेंट हम रिमूव कर पा रहे हैं, ऊपर एक एलिमेंट ऐड कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है। तो ये जो सबसे ऊपर जो टॉप ऑफ द स्टैक में आप एडिशन कर रहे हो, एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो, उसे हम कहते हैं पुश करना, कि हम भैया एक नया प्लेट या एक नई गड्डी को पुश कर रहे हैं। अगर आप एक नई गड्डी को उठा रहे हो तो क्या कहोगे, उसको हम एक नई गड्डी को पॉप कर रहे हैं, एक नई प्लेट को पॉप कर रहे हैं। दूसरा अगर हमें देखना है कि सबसे ऊपर कौन से गड्डी रखी हुई है, 100 रुपए वाली रखी हुई है, 500 रुपए वाली रखी हुई है, उसे हम कहेंगे भैया टॉप ऑफ द स्टैक, कि हम क्या कर रहे हैं टॉप ऑफ द स्टैक को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक में क्या रखा हुआ। एक एग्जांपल से इस चीज को समझो कि भैया ये हमारा एम्प्टी स्टैक है, इसमें अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, हमने इसमें क्या किया पुश किया 5 को, जैसे ही हमने 5 को पुश किया इसके अंदर एक 5 एलिमेंट ऐड हो गया, फिर हमने पुश किया 6 को, 6 इसमें ऐड हो गया, फिर हमने किया पॉप किया 6 को पॉप, जैसे ही 6 को करोगे ये 6 एलिमेंट यहां से रिमूव हो जाएगा, स्टैक से रिमूव हो जाएगा। पॉप 5, जैसे ही पॉप 5 करोगे क्या होगा भैया, 5 रिमूव हो जाएगा। तो ये पुश और पॉप आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये ऑपरेशंस स्टैक में काम करते हैं। ये डायग्राम आप फटाक से बना लो, बन गया डायग्राम आपका। चलिए पॉज करके यार एकदम सट बनाया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये डायग्राम हमारा बन गया। चलिए अब ऑपरेशंस को थोड़ा हम नोट्स में लिख लेते हैं, क्या होता है भैया, पुश एडिंग एन न्यू एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, पॉप रिमूविंग द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, हाँ जी भैया ये दोनों हमें पता है। अब तीसरा पीक या फिर टॉप, ये जो मैंने टॉस बताया था ना, इसको टॉप कह लो, टॉस कह लो, टॉप, इसको पीक कह लो। पीक का मतलब क्या होता है, झांकना, हम झांक रहे हैं कि भैया टॉप ऑफ द स्टैक में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो पीक वाला जो ऑपरेशन है, व्यूइंग द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, हमने क्या किया सिर्फ टॉप एलिमेंट को देख लिया कि क्या रखा हुआ है, रिमूव नहीं करना है, सिर्फ देखना है। फिर इज एम्प्टी एक फंक्शन हम बना लेते हैं, छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमें बता देता है कि हाँ जी भैया जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है या फिर एम्प्टी नहीं है। तो ये इज एम्प्टी एक बुलियन फंक्शन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना, यस या नो बताता है कि है या नहीं है, स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं है, ये छोटा सा फंक्शन है, बस लिख लो इसको, ठीक है, ऑपरेशन में इसको लिख लो। चलिए वो डायग्राम भी बना लेना है ना। हमें तो लूट लिया है रे हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे बालों ने, हो गया नोट। चले अब भैया बात कर लेते हैं क्यू की। जैसे हमने बात करी स्टैक की, वैसे ही हम बात करेंगे क्यू की। स्टैक में हमने क्या किया था, एरे को हम सीधा कर दिए थे, वर्टिकली एरे को हमने बना दिया था। पहले हमारी एरे कैसी थी, कुछ ऐसी थी भैया, अलग अलग इंडाइसेस थे, हमने क्या किया उसको सीधा खड़ा कर दिया, वर्टिकली खड़ा कर दिया। क्यू में हम क्या करते हैं कि इस स्लैंट एरे को, इस हॉरिजॉन्टल एरे को डायरेक्ट यूज करते हैं। अब ये क्यू का मतलब क्या होता है भैया, जब हम स्कूल जाते थे या अभी भी कॉलेज में भी कई जगह आपको लाइन में खड़ा कर दिया गया,
या स्कूल में आप जब असेंबली में जाते होगे, क्लास से आप असेंबली के लिए जा रहे हो तो आपको लाइन में ले जाया जाता था, मॉनिटर होता था, एक साला बदमाश सा पता नहीं कौन उसको मॉनिटर बना देता था, बोलता था कि अरे लाइन में चलो लाइन में चलो, साला कई कई बार तो नाखून चेक करने आ जाता था, बोलता मारे लाफा तुमको भी। तो ये जो लाइन है, ये जो आप एक लाइन में कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो, इसी को हम कहते हैं भैया क्यू, कि हम एक क्यू में लगे हुए हैं। ठीक है, वो होता है ना कि सपोज स्पॉटिफाई में आप कोई गाना बजा रहे हो, आपने कोई नेक्स्ट गाना प्ले कर दिया, आपने कोई एक सेकेंड, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि ऐड दिस सॉन्ग टू द क्यू। क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है कि अभी जो एग्जिस्टिंग सॉन्ग बज रहा है उसको बजने दो, इसके बाद अगला जो लाइन में नेक्स्ट सॉन्ग है जो कि बजेगा वो कौन सा होगा जो कि अभी आपने क्यू में ऐड किया। तो ये एक क्यू चलती रहती है कि पहले ये वाला गाना बजेगा, फिर ये बजेगा, फिर ये बजेगा, तो ये एक क्यू है एक के बाद एक। तो ये क्यू का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा कि हाँ भैया ये लाइन होती है, ज्यादा चलो बकबक मत करो इस पे। ठीक है, अ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। अभी क्यू में क्या होता है कि भैया अगर एक बात बताओ सपोज यहां पे है आपका मूवी काउंटर, यहां पे है भैया आपका मूवी काउंटर और यहां लगी हुई है लाइन, यहां पे लगी हुई है लाइन, यहां पे लगी हुई है लाइन। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर यहां मूवी टिकट्स मिल रही हैं तो सबसे पहले जो सबसे आगे खड़ा है उसको मिलेगी, तो ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। क्या होगा कि जैसे ही इसको टिकट मिलेगी यहां से ये बाहर निकल जाएगा। अगर कोई नया बंदा आया जिसको टिकट चाहिए तो वो लाइन के पीछे से एंटर करेगा। क्या हुआ कि जिसको इन आना है वो लास्ट से आएगा, जिसको आउट जाना है वो फर्स्ट से जाएगा। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट इन लास्ट आउट। एक सेकेंड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई एक बात बताओ, अगर ये सबसे पहले बंदा आया होगा ना, जिसको जो सबसे पहले जा रहा है वो भाई सबसे पहले आया होगा, जो सबसे पहले आएगा उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगी, है ना। ये सबसे लास्ट में आया, ये सबसे लेट आया, तो सबसे लास्ट में टिकट किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले उसको मिलेगा, तो वही कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले टिकट मिलने वाली है। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो प्रिंसिपल। इट मीन्स दैट द फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू द क्यू विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। जो सबसे पहला क्यू में आएगा वही सबसे पहला जाएगा। तो ये भैया हमारे कुछ कहानी है स्कूल में, या स्कूल ही है कि क्या है भैया, बीच पे जा रहे हैं क्या कहीं, नहीं मॉल वॉल में मान लो। ठीक है, तो ये एक लाइन लगी हुई है, जो सबसे पहला कस्टमर आएगा उसको सबसे पहले ट्रीट किया जाएगा, जो सबसे लास्ट में कस्टमर आएगा उसको सबसे लास्ट में ट्रीट किया जाएगा। ये भैया तो कूल लग रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया। और क्यू एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे इंप्लीमेंट करी जाती है भैया, क्यू में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वहां टॉप ऑफ द स्टैक होता था ना, स्टैक में टॉप ऑफ द स्टैक होता था, वैसे ही यहां पे, वहां पे क्या होता था, स्टैक में क्या होता था कि हम सिर्फ एक एंड से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, जो कि होता था टॉप। अगर हमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो टॉप से ऐड करना होगा, कुछ एलिमेंट रिमूव करना है तो टॉप से करना होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या होता है कि अगर हमें एलिमेंट को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, पीछे से ऐड करोगे। क्या करोगे भैया, लाइन के पीछे से नया एलिमेंट ऐड होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको हम कहते हैं रियर। क्या कहते हैं भैया, रियर। जैसे वहां टॉप था ना, वैसे यहां रियर और फ्रंट होता है। एडिशन हमेशा रियर से होगा और रिमूवल हमेशा फ्रंट से होगा। एडिशन हमेशा रियर से होगा और रिमूवल हमेशा फ्रंट से होगा। तो जैसे वहां टॉप होता था, एक जगह से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन रिमूवल कर सकते थे, यहां दो जगह पे होता है, एक रियर होता है, लाइन के पीछे से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और लाइन के आगे से हम रिमूव कर सकते हैं। अब लाइन के पीछे से नया एलिमेंट जो ऐड हुआ उसे हम कहते हैं एनक्यू। क्या कहते हैं भैया, एनक्यू। जैसे वहां पुश होता था ना, नया एलिमेंट ऐड किया तो उसे हम कहते हैं कि हमने नया एलिमेंट पुश किया है, वैसे यहां अगर लाइन में नया एलिमेंट ऐड हुआ है तो हम क्या कहेंगे, उसको हमने एनक्यू किया है, वी हैव एनक्यूड अ न्यू एलिमेंट, हमने एक नए एलिमेंट को एनक्यू किया है। अगर रिमूव किया है तो हम क्या कहेंगे भैया, डीक्यू कर दिया है, एक एलिमेंट को जो कि सबसे फ्रंट में खड़ा था उसे हमने डीक्यू कर दिया है। तो ये कहानी है कुल मिला के, इसको आप नोट कर लो, साथ ही साथ आप ये वाला डायग्राम बना लोगे। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाक से। हो गया। अब ये कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं जो कि यहां पे होता है। पहला होता है भैया हमारा एनक्यू, जो कि नए एलिमेंट को ऐड करता है। कहां से ऐड करता है भैया, एंड से ऐड करता है, एंड ऑफ द क्यू से ऐड करता है। दूसरा है भैया डीक्यू, डीक्यू क्या करता है, फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव कर देता है।
दूसरा तीसरा, जैसे वहां हम टॉप ऑफ द स्टैक में पीक कर सकते थे ना, जैसे हम टॉप ऑफ द स्टैक में झांक सकते थे, वैसे ही यहाँ हम फ्रंट वाले एलिमेंट को व्यू कर सकते हैं, और साथ वही इज एम्प्टी भी हम चेक करते हैं कि क्या हमारी क्यू एम्प्टी है या फिर नहीं। तो इन ऑपरेशंस को आप जल्दी से लिख लो। लिख लिया, चलो नोट हो गया ये। अब भैया हम देख लेते हैं स्टैक और क्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बस ये मैंने, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ये आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, वो जो लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं आरजीपी एग्जाम्स में, जिसमें सपोज किसी दो टॉपिक्स के बीच में डिफरेंस स्टैक वर्सेस क्यू, या किसी किसी का सपोज बोला एक्सप्लेन दिस या शॉर्ट नोट लिखो, तो उस केस में ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वाला आप भी लिख लोगे, इसको भी आप जो जो इसमें लिखा हुआ है मैं सब पहले समझा चुका हूँ आपको, ये सब बस आपको नोट करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन में आप लिख लो, आपके नोट्स अच्छे से बन जाएंगे। ठीक, नोट कर लो फटाक से। चलिए, अब इतना करने के बाद जो हमारा अगला डेटा स्ट्रक्चर है वो है भैया ट्रीज। अब ट्रीज में क्या होता है, ट्री जैसा एक ट्री होता है वैसा ही होता है भैया, कि एक हमारी सपोज कि इसको एक जैसे हमारा ट्री होता ना, सपोज एक जो सिंगल ब्रांच जा रही है उससे अलग अलग, एक सेकंड क्या हो गया भाई, उससे अलग अलग ब्रांचेस निकल रही है, फिर उससे भी अलग अलग ब्रांचेस निकल रही है, फिर इनसे भी अलग अलग ब्रांचेस निकल रही है। ट्री ऐसा ही होता है ना। अब ये समझो कि सपोज ये वाली जो डाली है इस डाली को मैंने यहां से ब्रेक कर दिया। अब इतने पोर्शन पे ध्यान दो। इतने पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है कि भैया एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए, जितने भी एजेस मैंने बनाए, उन्हीं को हम क्या कहेंगे भैया, नोड्स। क्या कहेंगे भैया, नोड्स। और जितने भी ये लाइंस हैं इन्हें हम कहेंगे भैया वर्टाइसेस। क्या कहेंगे भैया हम, एक सेकेंड, नहीं, एजेस कहेंगे इनको, एजेस। ये जो नोड्स होती है इन्हीं को वर्टाइसेस कहा जाता है। क्या है ना, अंग्रेजी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये एक ट्री का आपका डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें जितने भी आपको गोले दिख रहे हैं ये है नोड्स, ये है नोड्स। अब इनमें भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, वेरियस टाइप ऑफ नोड होते हैं, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। और ये जो एजेस दिख रहे हैं जो दो नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये होते हैं भैया हमारे एजेस। क्या कहते हैं हम इनको, एजेस। तो भैया हमारा जो ट्री होता है, इवन ग्राफ में भी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ग्राफ में भी यही चीज होता है, वो सिर्फ दो चीजों को मिलकर बना होता है, पहला एज और दूसरा नोड। ये बस दो एंटिटीज को मिलकर बना होता है भैया हमारा ट्री, और साथ ही साथ ग्राफ भी। तो ग्राफ में भी आगे डिस्कस करूंगा, अभी ट्री समझो। अब इस ट्री में भी जो वेरियस नोड्स हैं उनमें भी वेराइटीज है। सबसे पहला होता है रूट नोड, ठीक है, द टॉप मोस्ट नोड, द रूट नोड। फिर आता है चाइल्ड नोड, फिर आता है लीफ नोड। अब ये वेरियस कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, रूट नोड हम किसे कहते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट वाली नोड होती है इसे हम कहते हैं भैया रूट नोड। क्या कहते हैं भैया, रूट नोड। दूसरा आता है पेरेंट नोड। अब पेरेंट नोड कोई स्पेसिफिक नोड नहीं होता है, पेरेंट नोड क्या होता है कि सपोज ये एक और दो, इनका पेरेंट कौन है, इनका पेरेंट है ये, तो इन दोनों के लिए पेरेंट नोड कौन सा होगा भैया, ये वाला होगा। अब वही साथ में ये है और ये है, इन तीनों के लिए पेरेंट नोड कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये रिस्पेक्ट मतलब ये होगा, इंडिविजुअल नोड के लिए अलग अलग पेरेंट नोड्स होते हैं, इन दोनों के लिए, या मैं कहूँ इन दोनों के लिए कोई पेरेंट नोड नहीं है। ये सेवन का पेरेंट नोड कौन सा भैया, चार है। सिक्स का पेरेंट नोड कौन है भैया, टू है। थ्री का पेरेंट नोड कौन है भैया, वन है। अब इसी पेरेंट के अपोजिट चाइल्ड नोड की, भैया वन का चाइल्ड नोड क्या है, टू है, थ्री है, फोर है। टू का चाइल्ड नोड क्या है, फाइव है और सिक्स है। भैया वन का चाइल्ड नोड थ्री है, फोर का चाइल्ड नोड कौन है, सेवन है। तो ये पहला तो हमने समझा रूट नोड क्या होती है, सबसे टॉप मोस्ट नोड। दूसरा हमने समझा पेरेंट नोड क्या होती है, जिसके पास फर्दर ब्रांचेस होती हैं। चाइल्ड नोड क्या होती है, जिस जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल रही होती है उसे हम कहते हैं चाइल्ड नोड, और ये हो गया उसका पेरेंट नोड। लीफ नोड क्या होता है, लीफ नोड सबसे नीचे वाली जो नोड्स होती है, जैसे सबसे ऊपर वाली को रूट कहते हैं, वैसे ही लीफ नोड जो सबसे नीचे वाले होती हैं, जिनके फर्दर नोड्स नहीं होते, जिनके फर्दर चाइल्ड नहीं होते, उसे हम कहते हैं भैया लीफ नोड। क्या कहते हैं भैया, लीफ नोड कहते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया, रूट नोड, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, लीफ नोड। अब ये सब ट्री क्या होता है भैया, सब ट्री ऐसा दिखता है। सपोज ये आपका एक बड़ा ट्री हो गया, लेकिन इसी के अंदर ये छोटा ट्री है। ये आपका एक बड़ा ट्री है लेकिन इसी के अंदर एक छोटा ट्री है। ये आपका बड़ा ट्री है लेकिन ये इसी के अंदर छोटा ट्री है। तो
हम ऐसा कहते हैं कि ये बड़ा ट्री है और इसी के अंदर छोटे छोटे सब ट्रीज हैं, तो ये सब ट्रीज भी हमें समझ में आ गए। हाँ भैया सब ट्रीज आ गए। फिर एज, एज तो आपको पता ही है कि दो नोड्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एज कहते हैं। ये कनेक्शन का काम करता है बिटवीन टू नोड्स। तो ये हमें कहानी समझ में आ गई, ट्री क्या होता है। अ ट्री इज अ हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर। हायरार्कियल क्यों कहा जा रहा है, यहाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है। भैया मेरे पिताजी हैं, मेरी एक बहन भी है, तो मेरे पिताजी हमसे हायरार्की में थोड़ा ऊपर है, जो हमारे दादाजी हैं वो हमसे हायरार्की में थोड़ा ऊपर है, तो ये हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी भैया, सबसे छोटी वाली जो होती है इसको सब समझ लो कि मैं हूँ, इसके ऊपर ये हमारे पिताजी हैं, फिर ये हमारे दादाजी हैं, तो ये हायरार्की में चल रहा है। इस वजह से कहा जाता है कि ये एक हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर है। Considering of nodes connected by edges with the following properties, और ये है उसकी following properties। फटाक से इसको note कर लो, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, note करो इसको जल्दी से, हो गया। चलिए अब देख लेते हैं भैया, अब देख लेते हैं कि इसके कुछ characteristics और इसके common operations क्या होते हैं। सबसे पहले भैया ये hierarchical structure होता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है। सिंगल पाथ होता है, मतलब कि किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में एक सिंगल पाथ ही होगा, कोई भी दूसरा पाथ नहीं हो रहा होगा, तो ये सिंगल पाथ वाली कहानी होती है। एसाइक्लिक होता है, मतलब कि एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि भैया क्या यहाँ पे आपको कोई भी साइकिल दिख रही है, नहीं भैया यहाँ कोई साइकिल नहीं दिख रही है। अगर ये 5 और 6 आपस में एक एज की तरह कनेक्ट होता तो हम कह देते कि भैया ये एक साइकिल बन रही है, क्या बन रही है, साइकिल बन रही है, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक मतलब पूरे ट्री में कहीं पे भी कोई साइकिल नहीं बन रही होती। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि भैया जो एक पेड़ है उसकी ब्रांचेस निकल रही है और कोई दो ब्रांचेस बाद में आके आपस में ऐसा मिल जाए, नहीं होता ना ऐसा। ये ट्री का यही स्ट्रक्चर होता है कि एसाइक्लिक होती है, कोई भी साइकल्स फॉर्म नहीं हो रही होती है। तो ये कहानी है इसकी भैया, ये इसकी प्रॉपर्टीज में लिख लो। अब कॉमन ऑपरेशंस क्या होते हैं भैया, ट्री ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है। ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है कि भैया हर नोड को हमने विजिट किया, हर नोड को हमने देखा कि उसमें क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ट्री ट्रेवर्सल किया जाता है। दूसरा इंसर्शन ऑफ न्यू नोड, हम ट्री में एक नई नोड इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीशन, अब ये कैसे होता है अभी इसको मत जानो, ये डीएसए का टॉपिक है, ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना समझो कि ये ऑपरेशन होते हैं। सर्चिंग फॉर द नोड होता है, किसी भी एक नोड को हमें सर्च करना है, सपोज सर्च करना है इस पूरे ट्री में क्या 3 नाम का एलिमेंट है, अगर इसको सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कॉपीइंग द ट्री, हम क्या कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी ट्री को हम दूसरी ट्री में कॉपी कर सकते हैं, उसके सब ट्री को कॉपी कर सकते हैं, तो ये कॉपीइंग वाला ऑपरेशन होता है। ये चीज आप नोट कर लो फट से, हो गया। चलिए यार सर दर्द करने लगा यार, पूरा सुबह से लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, अब देख लेते हैं भैया हमारा ग्राफ। देखो ट्री में और ग्राफ में डिफरेंस यही होता है कि भैया ग्राफ के अंदर साइकल्स फॉर्म हो रही होती हैं। क्या हो रही होती है भैया, साइकल्स फॉर्म हो रही होती है। अब ये ग्राफ का इंप्लीमेंटेशन बताओ, जो आपका गूगल मैप्स होता है, जो आपका गूगल मैप्स होता है वो ग्राफ्स को यूज करता है। कैसे ग्राफ्स को यूज करता है भैया, सपोज ये जो हमारा ग्राफ दिख रहा है इसमें जितने भी नोड्स है, ए बी सी डी ई एफ, जितने भी नोड्स है इनको आप समझो कि ये एक नोड है भोपाल, और भोपाल से सीधा जाओगे तो ये है इंदौर, यहीं पे है कहीं पे मान लो सीहोर, यहीं कहीं पे है विदिशा, ठीक है। क्या कुछ इसी तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भैया ये एक सिंगल हाईवे है, इस हाईवे को पकड़ के जाओगे तो इंदौर पहुंच जाओगे, इस हाईवे को पकड़ के जाओगे तो सीहोर पहुंच जाओगे। क्या है, दो शहर हैं, दो शहरों को लिंक करने का काम कौन कर रहा है, एक हाईवे कर रहा है। अब अगर इसी को मुझे मोबाइल में उतारना है, मुझे एक टेक्नोलॉजी इस पे बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, हर शहर को एक नोड मान लूंगा और दूसरे शहर को दूसरी नोड मान लूंगा, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है उसे मैं क्या कह दूंगा, एज कह दूंगा। तो अब इस चीज को यूज करके क्या होता है, सपोज मैं कह दूं कि भैया मुझे भोपाल से इंदौर जाना है, अब मेरा गूगल मैप मुझे दो रास्ते दिखाएगा कि या तो आप इस रास्ते चले जाओ, आप पहले भोपाल से सीहोर जाओ, फिर आप सीहोर से विदिशा जाओ, और फिर आप विदिशा से इंदौर जाओ।
एक ये रास्ता बताएगा और दूसरा रास्ता ये बताएगा कि भैया भोपाल से आप सीधा हाईवे पकड़ के, जो भी एनएच जो भी हाईवे है वो हाईवे पकड़ के आप सीधा इंदौर जा सकते हो। दो रास्ते हैं। अब गूगल मैप्स आपको कौन सा रास्ता सजेस्ट करेगा, वो यहाँ पे एक एल्गोरिथम लगाता है, नाम चलो बता देता हूँ, एक ए स्टार एल्गोरिथम लगता है, एक डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगता है, नाम बड़ा अटपटा सा उसका, ठीक है। ये दो एल्गोरिथम लगते हैं जो कि बताते हैं कि कहीं दो नोड्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, है ना। अभी आप डीएसए में अगले ही सेमेस्टर में जस्ट पढ़ने वाले हो उस चीज को। तो भैया ये शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। एक पाथ ये भी है कि आप यहां सीहोर से डायरेक्ट भी यहां इंदौर जा सकते हो। तो ये कुछ कहानी है जो हमारा गूगल मैप से वो इन तीनों चारों पाथ को कैलकुलेट करेगा, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा किस एल्गोरिथम से, ये एक एल्गोरिथम है, बाकी दूसरा आपका ए स्टार एल्गोरिथम है। इन दो एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है, इन दोनों एल्गोरिथम्स को यूज करके और हम फाइंड करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। उसके बाद आपको जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो सबसे कम डिस्टेंस वाला पाथ होगा, वो हाईवे आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। क्या समझ में आ गया गूगल मैप्स कैसे ग्राफ्स को यूज करता है? अब ये पूरी ग्राफ्स की टैक्टिक भी समझ गया। ग्राफ में क्या होता है, एक वर्टाइसिस होती है, एक नोड होती है। क्या यहाँ पेरेंट चाइल्ड ऐसा कुछ होता है? ना, यहाँ कोई भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन या कोई भी रूट नोड ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एंटिटी उसको हम एक नोड कहते हैं और जिस लिंक से वो कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, एज कहते हैं या सिंपली लिंक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है उसकी। अ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स आल्सो कॉल्ड वर्टाइसेस एंड एजेस। मतलब कि एक ग्राफ कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टाइसेस होता है, ठीक है। एजेस जो कि कनेक्ट करता है पेयर्स ऑफ नोड्स को, दो पेयर्स ऑफ नोड्स को ये कनेक्ट करता है। अनलाइक ट्रीज ग्राफ्स आर साइक्लिक्स, मतलब यहां पे साइकल्स बन रही होती हैं। एंड मल्टीपल पाथ्स बिटवीन नोड्स, मतलब कि नहीं दो नोड्स के बीच में मल्टीपल पाथ्स होते हैं। ए से बी जाना है, वहां के मल्टीपल पाथ्स हैं, बहुत सारे तरीकों से आप जा सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ये लिखा हुआ है, इसमें दो चीजें होती हैं, कॉमन ऑपरेशन ये लिखा हुआ है। सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, इंसर्शन कर सकते हो और ट्रेवर्सिंग कर सकते हो। इन सब के बारे में आपको बखूबी पता है, फटाक से इसको नोट कर लो। क्या इसके बारे में याद रखना है? नहीं भैया, ये बस इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए था, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज से के लिए था। ये आपका गूगल मैप्स है, ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो गूगल मैप्स। एग्जाम्पल में ऐसे लिखना कि हाँ भैया, इन ग्राफ्स वी कैन, इन गूगल मैप्स वी हैव यूज्ड ग्राफ्स, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, नोट कर लो इसको जल्दी, फटाक से नोट कर लो। इतना हो गया, चलिए ठीक है। एग्जाम में अगर आए एग्जाम में क्या आ सकता है? अच्छा, ये स्लो पढ़ाया करिए सर। अच्छा, ये शाउट आउट वाला सेक्शन जो नया इंक्लूड हुआ है उसमें मैंने दो शाउट आउट लिए हैं। एक है हमारा हैप्पी से लग भी रहे। अच्छा, ये आलू रखा हुआ है क्या? आलू राजा, ठीक है। तो ये स्लो पढ़ाया करिए सर, ठीक है। मैं बेशक स्लो पढ़ाया करूंगा, जो कि मैं अभी कुछ वीडियोस में नोटिस भी कर रहा था कि हाँ यार आई एम अ बिट फास्टर, तो मैं उसको स्लो कर दूंगा, कोई बात नहीं। और ठीक है, ये जो वाले लेक्चर्स हैं ना, अगर मैं इनको फास्ट फास्ट कंप्लीट नहीं करूंगा ना, तो फिर आप खुद ही बोर हो जाओगे कि यार मास्टर बड़ा धीरे धीरे पढ़ाता है। तो ठीक है, इस हिसाब से पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, मैं इसको करूंगा। सर मैं प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने जा, अच्छा ये मैंने इसलिए लिखा था, सर मैं प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने जा रहा हूँ। सर ये ऐसा होता है ना कि जो अपने चिट्ठियों में लिखा होता है कि भैया मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, अब मैं जा रहा हूँ पहली मंजिल से छलांग लगाने, तो ये वैसा कुछ रिग्रेट सा साउंड कर रहा है। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तुम गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ। इवन तुमने ये भी सुना होगा कि IITs में भी कई सारे बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लग रही है ड्यू टू द रिसेशन। तो बिल्कुल ऐसा दिमाग में मत रखो कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। मैं बहुत ही टीयर थ्री कॉलेज से आता हूँ, लेकिन दैट डजेंट मीन कि मैं इनफ पैसा नहीं कमा पाता हूँ। कोई रिलेशन ही नहीं है यार, इट्स जस्ट योर स्किल, कि आप कितना अपने स्किल को पुट इन कर पा रहे हो। तो बिल्कुल इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता प्राइवेट में जा रहे हो गवर्नमेंट में जा रहे हो। अगर आप में, ठीक है यार, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स ये सब अच्छा लगता था तो गवर्नमेंट में जा रहे होंगे, अच्छे से अगर उसको किया है क्लियर किया तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब सोचना ही नहीं है कि प्राइवेट में गए, प्राइवेट में जाके भी आप टीयर थ्री कॉलेज से बहुत बहुत बेहतरीन उखाड़ सकते हो लाइफ में, जो कि ठीक है। आप अपने सामने एग्जांपल्स देखो, बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल टीयर थ्री कॉलेजेस से आ रहे हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस सब चीज़ों टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमारे हो गए शाउट आउट्स, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन आ गया भैया, ये आ गया हमारा अगला सेक्शन। अब इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भैया एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आए डेटा स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखोगे जो भी है और एक लाइन से सारे डेटा स्ट्रक्चर को, पहला तो जो मैंने पिछले वीडियो में डायग्राम बनाया था ना पूरा ऐसा वो बनाया था कि कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो बनाओगे, हर डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखोगे, हर डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखोगे, उसका डायग्राम बनाओगे, प्रॉपर्टीज बताओगे,
और लास्ट में बताओगे उसके कॉमन ऑपरेशंस, इसको जल्दी जल्दी निपटा के और सबको कवर करना है, लीनियर नॉन लीनियर जितने भी है सबको कवर करना है। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख रहे होगे, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बीएमई, कंप्यूटर, ये सब की प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके इनको भी पढ़ सकते हो। M1, M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, BCM अगर आपको पढ़ना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ ये हमारा नया चैनल है एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, जहां पे आप क्या कर सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। इसके लेक्चर्स एज ऑफ नाउ अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर इसमें बहुत सारा कॉन्टेंट ऐसा आने वाला है जो कि हमारे होश उड़ा रहा होगा, जो कि हमारे होश उड़ा रहा होगा, ठीक है। तो बहुत सारा कंटेंट इसमें आने वाला है, डू सब्सक्राइब। आप इसको सब्सक्राइब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, मैं इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ ना, इसके सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, इसकी पॉपुलैरिटी एकदम आसमान पे होने वाली, एग्जाम्स खत्म होने दो बस फिर उसके बाद। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम कोई नई वीडियो डालें, किसी नए कोर्स की अनाउंसमेंट करें, किसी नए बैच के अनाउंसमेंट करें, तो आप पीछे ना रह जाओ, आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाए। तो चलिए नोट्स अच्छे से बनाइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए, और अपना ध्यान रखिए।